हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से शुरू कर दिया है। मैं खड़ी हुई हूँ जस्ट अभी किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में किचन का काम ज़्यादा होता है। तो बस अभी मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह है वो सब हो चुके हैं, और हेयर वॉश किया है आज, तो बस बाल अभी गीले हैं। फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। चाय मेरी बन चुकी है, तो पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद मैं अपना जो किचन का काम है वो शुरू कर दूंगी। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, ये देखिए धीमे गैस पे रख दिया है। तो अभी मुझे इनके लिए बनाना है नाश्ता, लेकिन उससे पहले मैं पीऊँगी चाय। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और चाय भी मेरी बन चुकी है, ये देखिए। तो बस पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। मेरा गिलास चाय का भर चुका है, तो आज मैं भर के चाय पीऊंगी। आज थोड़ी सी चाय ज्यादा बन गई है, क्योंकि बहुत मन कर रहा था आज मेरा ज्यादा चाय पीने का। वैसे मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ, रहता तो मेरा यही। क्या हुआ चेरी? इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं अभी किचन में आ गई हूँ ना, तो इसको लग रहा है कि अब किचन में है। इसका खाना खाने का सामान, बिस्किट वगैरह, पेडिग्री यही पे है। तो जब भी मैं किचन में आती हूँ तो इसको एक बिस्किट जरूर देती हूँ, तो इसलिए चिल्ला रही है आ रही हूँ आ रही हूँ। तो अभी ग्लास ऊपर से गर्म हो चुका है, आज थोड़ा दूध फालतू हो गया चाय में। तो बस अभी चाय पी लेते हैं। इसको उठाना कैसे है, तो इसके लिए इसको ऐसे रख लेती हूँ। हाँ ये चीज ठीक है। तो चलिए अभी पी लेते हैं चाय, लेकिन इस महारानी को पहले बिस्किट देना है, तो इसको बिस्किट दे देती हूँ। तो अभी ये मैं कमरे में रख देती हूँ। क्या हुआ है, बिस्किट खाना है? हो गई क्लास? हो गई? तो अब भाभी इसको बिस्किट देगी। आज दोनों की रेड रेड ड्रेस हो रखी है, ये देखिए। आज दोनों ने अपना बातें करके पहनी है क्या तुमने? नहीं तो है? ओहो, आज भी वो अपनी ड्रेस दिखाएगी, ये देखिए। हाँ ये आगे से, ये पीछे से, और ये देखो जंप करो, करो जंप, चली जंप, चेरू जंप, जंप, करो जंप फटाफट से। देखो जब इसे कहते हैं ना, तब इसको करना नहीं है। नहीं मिलेगा बिस्किट, बिस्किट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चल रही है पीयू की क्लास। पीयू की क्लास 8 बजे से शुरू हो जाती है, तो जल्दी से मैं उसको नहला के और बैठा देती हूँ क्लास लेने के लिए। और इसका दूध मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो इसके पास ही मैं बैठ जाती हूँ, ताकि इसको कुछ समझ ना आए तो वो मैं समझा सकूँ, क्योंकि इसके पास बैठना बहुत ज़रूरी होता है। या मैं बैठती हूँ या फिर भवी को बैठाती हूँ, क्योंकि भवी की क्लास लेट शुरू होती है। तो तब तक मैं और या फिर भवी बैठ जाते हैं। तो बस अभी मैं इसको थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत इसका होमवर्क था वही समझा रही थी। मेरे बाल भी हल्के से सूख चुके हैं, तो बस अभी जो है मैं सीरम लगा रही हूँ। तो मेरे से किसी ने पूछा भी था कि आप कौन सा हेयर सीरम लगाते हो, तो मैं स्टिक्स का हेयर सीरम लगाती हूँ, और बहुत अच्छा हेयर सीरम है। तो इससे बाल बिल्कुल भी नहीं अलसते हैं। तो बस हल्के से बाल सूखते ही मैं ये हेयर सीरम लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, एकदम सिल्की सिल्की। तो बस अभी मैं फटाफट से सीरम लगा लूंगी।
तो यहाँ पर लग चुकी है पीहू मैडम के हाथ मेरी पुरानी वाली लिपस्टिक जो यूज़ में नहीं थी, तो बस इसने खेलने के लिए ले ली है और ये आप सबसे कुछ आगे कहने भी वाली है। आप लोगों को कमेंट में बता देना फ्रेंड्स कि आपको कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है, वही उसी कलर की मैं एक और लिपस्टिक बना दूंगी आपके लिए। फ्रेंड्स अभी मैं सारे कलर लिपस्टिक ले लेती हूँ ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी लिपस्टिक बना सकूँ। तो फ्रेंड्स जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले लीजिए, ये नहीं कि आप ज़्यादा ही लीजिए, आज ही ले लीजिए क्योंकि आपको जब यूज़ करनी हो उतनी यूज़ करिएगा, अच्छे से ले लीजिए। और फ्रेंड्स फिकर ना रहिए कि ये आपके लिए लिपस्टिक का कलर आप जैसे चाहेंगे उतना ही आपको मिलेगा, चाहे आप एक ही क्यों ना लो। मैंने मिक्स ली है पर आप कोई से भी कलर ले सकते हो जैसा आप चाहो। और मेरी जो लिपस्टिक है उसको मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज कैमरा फेस कर रही हूँ, अजीब सा लग रहा है। तो बस आप सबका प्यार मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। बहुत से मैसेज आ रहे थे मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बीमार तो नहीं हो। बहुत से कमेंट आए हैं कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, इसी वजह से आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। तो बस आप सबका प्यार मुझे दोबारा से यहाँ तक खींच के ले आया है, तो सोचा चलो आज कैमरा उठा ही लेती हूँ। तो बस कई दिन से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, बस खाली भजन और कीर्तन वगैरह की जो छोटी छोटी क्लिप थी वही मैं डाल रही थी। और 4-5 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, साथ में पीहू वायरल हो गया था हमें। तो बस इसी वजह से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, तो सोचा चलो आप सबसे थोड़ी सी आज बातें कर ली जाए। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो इसीलिए आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। तो मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे, मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसमें वैभव लक्ष्मी माता की जो व्रत की विधि होती है वो मैंने शेयर की थी। तो तभी से ही मुझसे मेरी जो प्यारी सब्सक्राइबर है जुड़ी हुई हैं और इंस्टाग्राम से मुझसे वो बातें करती हैं। क्या हुआ? धो ले इनको साबुन से, धो ले हाँ, धो ले अच्छे से, धो के आ जाओ, जाओ जल्दी जल्दी पियो। हाँ तो किससे किए तूने ये हाथ, ये तो बता। वो जो लिपस्टिक थी उससे। हाँ ये देखो, इसने सारी लिपस्टिक मेरी खराब कर दी है, बस इसको खराब करना आता है। और तो कुछ छूट नहीं रही है। नहीं छूट रही ना, जा साबुन से वॉश करके आ। तो मेरी जो प्यारी सी सब्सक्राइबर है उसने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसकी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं और वो कई सालों से कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसने वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू किए और आज उसको 2रा महीना लग चुका है और बहुत खुश थी वो, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो देखिए पीहू आ गई है, मेरे हाथ में बुने हैं, 3 बार रगड़ा है तब धुले हैं। तो हाथों में क्यों लगाई थी तूने? मैंने पीछे बना दी थी एक, नहीं उससे मेरे हाथों पे लग गई। देखो अभी भी एक आधी सी लगी हुई है, एक आधी सी लगी हुई है। और जो मेरी प्यारी सी वो सब्सक्राइबर है उसको पीहू के जैसी छोटी सी क्यूट सी बेबी चाहिए। तो उसको पीहू के जैसी बेबी चाहिए, उसने बोला दीदी मुझे पीहू के जैसी चाहिए, सेम डिटो पीहू है पीहू। भगवान करे जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो। तो बस अब काफी टाइम हो गया है, क्या हुआ चेरी? इसको भी ब्लॉग में आना है, ये देखिए कहाँ आया था चेरू, चेरू ना, चेरू। उसको भाभी दिख रही है, भाभी है ना, देखो कौन आया। करो क्या हुआ? हाँ इसको 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 चॉकलेट दिख रही है, तो देखो पीछे भाभी और एक चॉकलेट खा रही है। तो चलिए अभी व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा देना और कमेंट करके बताना आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। okay?
और अपना प्यार हमें देते रहना, ताकि आपके पास हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे, और हम भी मेहनत करेंगे कि आपके पास अपनी वीडियो भेजे। तो कोशिश करूंगी मैं रेगुलर ब्लॉग बनाने की, क्योंकि अब काफ़ी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ, और पीहू का फीवर अभी ठीक है, बस थोड़ा सा जुकाम है इसको, तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा, तो फिर अपनी ब्लॉगिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।